सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं आज मैं आपको हिंदी भाषा विषय के पार्ट दो का अध्ययन कराऊंगी जिसका नाम वर्ण विचार है बच्चों जैसा कि हमने वर्ण विचार में वर्णों के बारे में और उनके भेदों के बारे में पढ़ा आज हम स्वर और स्वर के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे तो आइए जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं और इसे इसके कितने भेद होते हैं स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है हिंदी में इनकी संख्या ग्यारह होती है जैसे ओ आ ई ऊ उ, उ, री ए, ए ओ, ओ। बच्चों ये हमारे ग्यारह स्वर हैं अब इन स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है तो स्वर के भेद कितने होते हैं तीन कौन कौन से हिरस्व स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आइए अब हम जान लेते हैं हिरस्व स्वर किसे कहते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर की तीन भेद होते हैं हिरस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो हिरस्व स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या चार होती है अ ई री। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये छोटा अ छोटी ई छोटा उ और छोटा री है इनके इनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है और बच्चों ये मूल स्वर भी कहलाते हैं मूल स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनसे किसी अन्य स्वर की उत्पत्ति हुई है इनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है जैसे छोटे अ से बड़े आ की उत्पत्ति हुई है छोटी ई से बड़ा ई बनी है छोटे ऊ से बड़ा ऊ बना है तो इससे अन्य स्वर की उत्पत्ति होने के कारण ये हमारे क्या होते हैं मूल स्वर कहलाते हैं दूसरा है दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के से दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं इनकी संख्या सात है बच्चों जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ दीर्घ मतलब होता है बड़ा यहाँ पर दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा ज़्यादा समय लेने वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगे जैसे हृदय स्वर से अधिक समय लगे दो गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ए, ओ, आ बड़ी ई बड़ा सात हमारे दीर्घ स्वर हो गए अब हम बात करेंगे प्लुत स्वर की बच्चों प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के से लगभग तीन गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं प्लुत स्वरों को दर्शाने के लिए हस्व स्वर के आगे एस का देखिए साइन बना हुआ है एस का चिन्ह बना हुआ है इसे संस्कृत में हम अ के लिए प्रयोग करते हैं इसको अ पढ़ते हैं का चिन्ह लगाया जाता है जैसे ओम राम मैया आदि बच्चों इनमें इन स्वरों में हस हृष्व स्वर से तीन गुना अधिक समय लगा है इन स्वरों का उच्चारण हम अधिकांश मंत्रों के उच्चारण में करते हैं जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय तो यहाँ पर हम ओम को बहुत ही ज़्यादा देर तक बोल रहे हैं तो यहाँ पर जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक घिसते हैं बहुत ज़्यादा देर तक बोलते हैं तो वहाँ पर हम वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है इस स्वर का प्रयोग हम किसी को पुकारने के लिए भी बोलते हैं जैसे हे भगवान किसी का नाम लेते हैं कोई दूर खड़ा है आपसे और मान लीजिए जिसको बुलाना है तो हम क्या कहते हैं किसी का नाम लेके जोर से चिल्लाते हैं जैसे राम यहाँ आओ। तो हम किसी को पुकारने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं मैया आदि अब है स्वरों की मात्राएं बच्चों जैसा कि आपने देखा कि ये सारे स्वर थे अब इन इन्हें इन स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं जैसे व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जुड़ता हो जुड़ा होता है उसे मात्रा कहते हैं अब व्यंजनों के साथ स्वर के जैसे अब हमें क का लिखना है तो क में हम आ नहीं लगा सकते ना उसकी मात्रा उसके चिन्ह को लगाएंगे तो आइए जान लेते हैं स्वरों के मात्राओं के बारे में जैसे अ आ छोटी ई बड़ी ई बड़ा बड़ाऊ री ए, ए ओ, ए इनकी मात्राएं अ की कोई मात्रा नहीं होती हमारे स्वर कितने हैं ग्यारह हैं लेकिन स्वरों की मात्राएं कितनी हैं दस हैं जैसे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह लेकिन मात्राएं क्या है दस हैं क्यों क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों एक बात और आपको ध्यान देने योग्य है कि ये जो स्वर है ये सारे व्यंजनों के साथ पहले से ही लगा होता है बिना अ के प्रयोग के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं जब तक किसी भी व्यंजन में अ का प्रयोग नहीं होता तब तक वो व्यंजन आधा होता है तो इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है अब आ की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा री की मात्रा ए ए ओ, ओ मात्रा अब हम जान लेते हैं अयोगवा किसे कहते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं अयोगवाह कुछ वर्ण ऐसे हैं जो वर्णमाला में स्वरों के बाद लिखे जाते हैं परंतु ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन ये अयोगवाह कहलाते हैं अयोगवा का अर्थ होता है योग ना होने पर भी साथ रहना ये संख्या में दो होते हैं जैसे अंग और अह बच्चों जैसा कि आपने देखा होगा जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं और उसमें स्वर पढ़ते हैं तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि स्वरों की संख्या हिंदी में तेरह होती है लेकिन यहाँ पर हमने स्वरों की संख्या ग्यारह पढ़ी है क्यों क्योंकि जो लास्ट में लिखे जाते हैं अंग और अह ये स्वर ना होके क्या कहलाते हैं अयोग्यवाह कहलाते हैं अब आइए ये अंग और अह को जान लेते हैं कि क्या कहते हैं अंग अंग मतलब होता है अनुस्वार इसे अनुस्वार कहते हैं इसका उच्चारण नाक से होता है यह स्वरों का स्वरों तथा व्यंजनों के साथ ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है जैसे अंगूर हंस कंठ गंगा कंघा आदि बच्चों जैसा कि आपने जाना कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है स्वर या व्यंजन के ऊपर किस रूप में बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं अब है अह को क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं इसे विसर्ग कहते हैं इसका उच्चारण की भांति होता है यह भी अनुस्वार की भांति ही स्वरों के बाद प्रयुक्त तो होता है अतः इसका प्रयोग केवल संस्कृत में मूल शब्दों के साथ होता है इसका चिन्ह होता है विसर्ग देखिए विसर्ग का चिन्ह क्या होता है ये होता है बच्चों जैसे प्रातः नमः, पुनः अतः आदि अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक अनुनासिक को बच्चों चंद्र बिंदु भी हम कहते हैं अनुनासिक चिन्ह का का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है यह समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जा सकता है इसके चिन्ह को चंद्रबिंदु जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले ही बताया था किसे क्या कहते हैं बिंदु भी कहते हैं जैसे मांग आँख दांत आदि अब बच्चों हम जान लेते हैं हलंत के बारे में हलंत जिन व्यंजन में स्वरों का प्रयोग नहीं होता है उस उस व्यंजन को हलंत का चिन्ह लगाकर प्रकट किया जाता है जैसे द्वितीय विद्यालय विद्यार्थी आदि जहाँ पर बच्चों जिस व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है उस व्यंजन को हम आधा पढ़ते हैं अभी मैंने आपसे बताया था कि जहाँ जिस व्यंजन में अ का प्रयोग नहीं होता है वह व्यंजन पूर्ण नहीं होता है वो अधूरा होता है आधा होता है तो जब हम उस आधे व्यंजन को दर्शाते हैं उस आधे व्यंजन को दर्शाते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं हलंत लगाते हैं इसका मतलब होता है कि ये आधा पढ़ा जाएगा ये आधा लिखा जाएगा